मैंने अभी अभी गिनाया कि इतने सारे दलों के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग समय पे अपनी सदस्यता खोनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट में 3-2 साल की एक बार सजा देते ही सुप्रीम कोर्ट के तहत वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है बाकी सदन के जो पक्ष है उनका आप देखिए तो बड़ा हाफ हार्टेड सा, एक विपक्षीय दल के नाते हाफ हार्टेड सपोर्ट था, अधिकांश तो कांग्रेस के सदस्य वेल में थे। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती पे जाकर भारत का अपमान किया, भारत के लोकतंत्र का अपमान किया, भारत के दोनों सदनों का, पार्लियामेंट का अपमान किया, जिस प्रकार से हर इंस्टीट्यूशन का अपमान किया, मैं समझता हूं ये पूरे देश में किसी को भी मान्य नहीं है। मेरा विश्वास है मीडिया के भी मेरे मित्र इस बात को नहीं मान सकते। और जिस प्रकार का घमंड है वो आपने कल भी देखा, जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया के, उन्हीं के बीट रिपोर्टर जो 15 साल से कांग्रेस के बीट को कवर करते हैं, जो भद्दा व्यवहार जर्नलिस्ट के साथ भी था, यानी उनसे कोई कोई प्रश्न नहीं एक्सेप्ट कोई स्क्रिप्टेड पत्र प्रश्न हो, उसके अलावा उनके पास कुछ बोलने की तैयारी भी नहीं होती, तो ऐसे में वो पूरे देश का, देश की अर्थव्यवस्था का अपमान करते रहे, उसको कैसे सदन भी स्वीकार करे और देश स्वीकार करे। जितने नेता अभी तक डिस्क्वालीफाई हुए कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, उसके डिस्क्वालिफिकेशन में करीब 15 दिन से 1 महीने का वक्त लगा है। आपने बिजली की तेजी से 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसका मतलब आपके इंटेंशन खराब थे, आपने मौका ही नहीं दिया अपील करने का। उनकी बात गलत है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंस फ्रॉम द मोमेंट द सेंटेंस इज अनाउंस, जिस वक्त सेंटेंस अनाउंस हो जाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड, समय कितना भी लगे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिस समय कन्विक्शन हुआ उस दिन से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते, तो समय का इससे कोई संबंध नहीं। और मैं समझता हूं कि कानून सभी के लिए समान है और सभी को उस कानून के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई कोर्ट के निर्णय के तहत होता है, स्पीकर ने कब वो ऑर्डर पास किया उसका कोई उससे संबंध। सर कल जो कांग्रेस की सत्याग्रह हुई थी उसके दो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स ने स्टेज पे कहा कि वो ओबीसी संप्रदाय से आते हैं, और जो जो बीजेपी का एक एक्यूजेशन है कि ओबीसी संप्रदाय को राहुल गांधी ने इंसल्ट किया है वो गलत है, क्योंकि ललित मोदी और नीरव मोदी दोनों ओबीसी संप्रदाय से। देखिए भारत में ओबीसी समाज बहुत बड़ा है और देश भर में उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भी चुन के आते हैं। मैं उन दोनों माननीय मुख्यमंत्री की मजबूरी समझ सकता हूं कि उनके पास कोई पर्याय नहीं है, पर दिल में उनके जरूर चोट पहुंची होगी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पूरे समाज का अपमान किया है। पर एक पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर, और वैसे तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर कोई उनके कहे हुए रास्ते पे नहीं चलता है, एक परिवार के कहे हुए रास्ते पे, तो तुरंत सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। और आपको ध्यान होगा पहले भी लिस्ट निकली है कैसे कांग्रेस के समय बहुत बड़ी संख्या में, शायद 50-60 से ज्यादा बार सरकारों को टॉपल किया गया कांग्रेस द्वारा, तो बेचारे दोनों मुख्यमंत्री अपने अपने गद्दी संभालने में लगे होंगे। पर देश में आप देखिए कि पूरे ओबीसी समाज को कितनी आहत पहुंची है, कितना गुस्सा है कि इनके सत्याग्रह में भी समान सम्मिलित होने के लिए उंगलियों पे गिनने ऐसे संख्या में इनके सत्याग्रह में लोग आ रहे हैं। So there are important bills that are pending in both the houses of the parliament. Parliament is not functioning. What's the government strategy going on? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इंटरेस्ट ही नहीं है कि इस देश में अच्छी बातें सरकार जो कर रही है उसको करने दें। आखिर आप देखिए जन विश्वास बिल है, उसकी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, वो पेश होना था,
लेकिन इस प्रकार से वो सदन चलने नहीं दे रहे। उस जनविश्वास बिल से देश में कितने सारे कानून में सामान्य आदमी को सुविधा मिलती, जो क्रिमिनल प्रोविजन है उससे राहत मिलती, बिजनेस करने में सुविधा होती और ईज ऑफ लिविंग भी लोगों को फायदा होता। इसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का बिल सबसे पहले लिस्टेड है लोकसभा में। कंपटीशन लॉ में कुछ प्रावधान को बदला जा रहा है जिससे राहत मिलेगी बिजनेस को, निवेश आएगा भारत में। मुझे लगता है जिस अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है उससे कांग्रेस को चिंता है कि अगली बार 303 से भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और ज्यादा बजट बनाने पे जनता का विश्वास, जनता का समर्थन मिलेगा। आज 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, 9 वर्ष तक, आज तक ऐसी कभी स्थिति नहीं हुई है इतिहास में कि 9 वर्ष कंटिन्यूअसली एक नेता इतनी हाई लेवल की एक्सेप्टेंस देश में प्राप्त कर सके, उससे शायद कांग्रेस बहुत चिंतित है। हाल में 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी कांग्रेस की क्या हालत हुई आपने देखा। मैं समझता हूं कि उससे बचने के लिए और फिर एक बार कर्नाटक में मुंह की हार खाने से डरने के लिए डरते हुए कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है।